अभी जो ये हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है ये मात्र 3 वार्ड्स के संदर्भ में आया है, और जो हमको जानकारी है, जो हमने अलग अलग वार्ड्स में वहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता है, वहाँ के लोग हैं, उनसे बात करी है, तो ये धांधली केवल 3 वार्ड में नहीं हुई है। हालांकि याचिका केवल 3 वार्ड्स की हुई है, मगर अगर और भी इलाकों से इसकी याचिका जाती तो हर वार्ड के ऊपर ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो खारिज होनी थी। तो अब क्योंकि ये प्रोसेस अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, अब ये केवल 3 वार्ड के मुतलक आया है या पूरे के पूरे 41 वार्ड के मुतलक आया है, ये चीज़ हमको अभी देखनी है। और अगर ये केवल 3 वार्ड के मुतलक आया है तो आने वाले समय में और वार्ड्स में भी जो इस तरीके की धांधली भाजपा ने करी है उसके खिलाफ हम जो है हाईकोर्ट में आने वाले समय में जाएंगे, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये केवल 3 वार्ड तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने हर वार्ड में अपने लोगों को आगे लाने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली की धज्जियाँ उड़ाई है, और इस प्रकरण के खिलाफ हम जो है ज़मीन स्तर पर जाएंगे, सबसे संपर्क साधेंगे, और जहाँ जहाँ भी हमको लगता है कि इस तरीके की धांधलियाँ हुई है आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में, हम इसके खिलाफ जो है वो हाईकोर्ट के अंदर याचिका उन लोगों से दायर करवाएंगे, और इसका जो है परिणाम जो है वो जनता के सामने जल्द आएगा। मंशा इसमें यह है केवल कि इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, और ख़ास करके मैं गुरेज नहीं करूँगा, ये सारा का सारा किया धरा जो है वो माननीय मंत्री जी का है, श्री सुरेश भारद्वाज जी, उनकी रहनुमाई में ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई है, क्योंकि उनको ये चीज़ दिख रही है कि मेरी जो है राजनीतिक विकेट जो है वो जल्दी उड़ने वाली है, और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सारा का सारा जो है ये ताना बुना जो है वो डिप्टी कमिश्नर शिमला के साथ बुना है। और मैं गुरेज नहीं कहूँगा करने में कि डिप्टी कमिश्नर अपने मैंडेट, जो उनका एक आधिकारिक रूप से मैंडेट है, उससे आगे जाकर उन्होंने जो है अपने राजनीतिक आकाओं की इच्छा को जो पूरा करने का ये प्रयास किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जो ये हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है ये मात्र 3 वार्ड्स के संदर्भ में आया है, और जो हमको जानकारी है, जो हमने अलग अलग वार्ड्स में वहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता है, वहाँ के लोग हैं, उनसे बात करी है, तो ये धांधली केवल 3 वार्ड में नहीं हुई है। हालांकि याचिका केवल 3 वार्ड्स की हुई है, मगर अगर और भी इलाकों से इसकी याचिका जाती तो हर वार्ड के ऊपर ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो खारिज होनी थी। तो अब क्योंकि ये प्रोसेस अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, अब ये केवल 3 वार्ड के मुतलक आया है या पूरे के पूरे 41 वार्ड के मुतलक आया है, ये चीज़ हमको अभी देखनी है। और अगर ये केवल 3 वार्ड के मुतलक आया है तो आने वाले समय में और वार्ड्स में भी जो इस तरीके की धांधली भाजपा ने करी है उसके खिलाफ हम जो है हाईकोर्ट में आने वाले समय में जाएंगे, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये केवल 3 वार्ड तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने हर वार्ड में अपने लोगों को आगे लाने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली की धज्जियाँ उड़ाई है, और इस प्रकरण के खिलाफ हम जो है ज़मीन स्तर पर जाएंगे, सबसे संपर्क साधेंगे, और जहाँ जहाँ भी हमको लगता है कि इस तरीके की धांधलियाँ हुई है आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में, हम इसके खिलाफ जो है वो हाईकोर्ट के अंदर याचिका उन लोगों से दायर करवाएंगे, और इसका जो है परिणाम जो है वो जनता के सामने जल्द आएगा। मंशा इसमें यह है केवल कि इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, और ख़ास करके मैं गुरेज नहीं करूँगा, ये सारा का सारा किया धरा जो है वो माननीय मंत्री जी का है, श्री सुरेश भारद्वाज जी, उनकी रहनुमाई में ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई है, क्योंकि उनको ये चीज़ दिख रही है कि मेरी जो है राजनीतिक विकेट जो है वो जल्दी उड़ने वाली है, और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सारा का सारा जो है ये ताना बुना जो है वो डिप्टी कमिश्नर शिमला के साथ बुना है। और मैं गुरेज नहीं कहूँगा करने में कि डिप्टी कमिश्नर अपने मैंडेट, जो उनका एक आधिकारिक रूप से मैंडेट है, उससे आगे जाकर उन्होंने जो है अपने राजनीतिक आकाओं की इच्छा को जो पूरा करने का ये प्रयास किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।